मैं कमल नयन द्विवेदी प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष द्रव्य गुण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज हम कुछ द्रव्यों पर चर्चा करेंगे पहला द्रव्य जो बहुत ही सामान्य है लोकप्रिय है कॉमन है वो है कुमारी घृत कुमारी भी कहते हैं क्योंकि इसके दिखाई पड़ा ना पल्प दबाएंगे तो इसमें से कुछ स्राव होता है वो घृतवत होता है दिखाई पड़ रहा है घृतवत यह स्राव होता है घी की तरह इसलिए इसे घृत और कुमारी इसलिए कहते हैं कि कुमारियों के रोगों में इसका बहुत प्रयोग होता है एक बहुत ही अच्छी औषधि है ड्रग है द्रव्य है इस पर हम आज चर्चा पहले करेंगे बॉटेनिकल नेम इसका एलोए बारबडेंसिस फैमिली यानी कुल लिली फैमिली की है यह अन्य पर्याय इसके हैं गृह कन्या घृत कुमारिका कन्या और हिंदी में पाठा कहते हैं इसे सामान्य बोलचाल की भाषा अभी मैंने दिखाया इससे घृतवत जो पदार्थ निकल रहा था ये इसके पत्र का सार है ये पूरा का पूरा एक पत्र है और इस पत्र के सार, इस पत्र गुदेदार आप जहाँ तक तो देखा आपने गुदेदार पत्र है मोटा है इसके भीतर जो म्यूसिलेजिनस चीज रहती है वस्तु रहती है वो इसका सार है और इसे हम इसी से हम कुमारी सार जो बाज़ार में मिलती है या औषधि की दुकानों में मिलती है और जिसे हम एलुवा कहते हैं या मुसब्बर भी कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में मुसब्बर तैयार किया जाता है इसी घृतवत पदार्थ से उस मुसब्बर को चूंकि वो प्रोसेसिंग करके बनाते हैं कृष्ण तो बोल भी कहते हैं क्योंकि बोल जैसा दिखने में होता है लेकिन लगभग काला या काला होता है इसलिए कृष्ण बोल भी कहते हैं एलेयक भी कहते हैं संस्कृत में से जो एला सो जो एलुआ से उत्पन्न हुआ एलेयक कृष्ण बोल मुसब्बर या कुमारी सार इसके निर्माण की दो विधियां हैं मुसब्बर के एक तो इसके रस को धीमी आंच पे गर्म करें उससे एक अपारदर्शक ओपेक मोम जैसा पदार्थ वो बन जाता है सबसे पहले क्या किया इसके सार को पत्तियों को दबा दबा करके एकत्र किया एक पात्र में धीमी आंच पर गर्म किया तो वो अपारदर्शक पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गया उसे हम मोम जैसा भी कुछ चिकना भी होता है और लगभग कत्थई रंग का या काले के आसपास का रंग का होता है देखने में ऐसा लगता है यकृत का रंग जो होता है ना मनुष्य के शरीर में उसी तरह होता है इसीलिए इसको कुमारी सार या हेपेटिक एलोई भी कहते हैं दूसरी विधि है कि उसी हमारे जो हमने एकत्रित किया जिसके पत्र का स्वरस कहिए या जो गुदा वाला भाग कहिए उसको तीक्ष्ण आग पे गर्म करते हैं तीक्ष्ण अग्नि पर गर्म करते हैं उससे हमें एक अर्ध पारदर्शक पदार्थ मिलता है वह रस अर्ध पारदर्शक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जो बहुत चिकना भी होता है और चिकना होने के कारण इसे कहते हैं काचवत्त कुमारी सार या ग्लॉसी एलोय ग्लॉसी चमकीला वैसे इंडियन फार्माकोपिया में तीन प्रकार का मुसब्बर का वर्णन मिलता है पहला जो है उसे कहते हैं कूड़ाओ एलोए एलोए यह एलोए वेरा नाम के पौधे से प्राप्त होता है जिसे मैंने अभी दिखाया वो एलोए वेरा ही था यह कृष्णाभ बादामी होता है रंग इसका ब्लैकिश और बादाम की तरह का होता है अपारदर्शक होता है थोड़ा चमकीला भी होता है भूरे और काले रंग का होने के कारण लगभग चॉकलेट जैसी जैसा इसका अपियरेंस होता है इसीलिए इसे चॉकलेट एलोय कहते हैं दूसरा दूसरी वैरायटी जो है वो सोकोट्राइन एलोय भी इंडियन फार्माकोपिया में वर्णित है यह एलोय पेरी पी ई डबल आर वाई आई एलोय वेरी से प्राप्त होता है ये भी कत्थे की तरह कुछ बादामी घोला हुआ कत्था होता है ना उस ढंग का होता है तीसरा जो है वो केप एलोय सी ए पी ई -E, केप एलोए ये एलोय फेरॉक्स नाम के पौधे से प्राप्त होता है यह गहरे हरे रंग का या हरिताभ भूरा ग्रीनिश ग्रे रंग का होता है और यह पाउडर ही होता है यह ठोस बाकी अन्य दो वेरायटीज़ की तरह नहीं होता चूर्णवत बन जाता है ब्रिटिश फार्माकोपिया में एक चौथी वैरायटी चौथे प्रकार का भी वर्णन है जिसे जंजीबार एलोय कहते हैं ये जंजीबार एलोय भी एलोय से ही पेरी से ही प्राप्त होता है लेकिन रंग में थोड़ा सा बादामी ज्यादा होता है जंजीबार एलोय इस प्रकार ये चार प्रकार के एलोय इंडियन और ब्रिटिश फार्माकोपिया को पिया मिला करके होते हैं वैसे ये प्लांट जो कुमारी है मूलतः तो उत्तरी अफ्रीका का निवासी है लेकिन इस समय लगभग समस्त भारत में उग जाता है उत्पन्न होता है आप अपने घर में गमले में भी रख सकते हैं घर के आगे पीछे थोड़ी भी जमीन हो वहाँ भी रख सकते हैं एक बहुत अच्छा इसका लौकिक यूज़ है लौकिक प्रयोग है हमने अपने बचपन में देखा था के वृद्ध पुरुषों महिलाओं में जिनको कुछ बहुत तेज़ सिरदर्द होता था मेरे घर के पीछे ये लोय था गिरत कुमारी रोपी गई थी लोग आए आते थे, थे कि थोड़ा सा उसका पत्ता हमें दे दीजिए अब मैंने देखा कि पत्ते को लेकर उसका रस निचोड़ करके वो लोग अपने सिर पर लगा लेते थे वो इतना शीतल होता था कि गर्मी के दिनों में सभी शरीर के ताप भी हर लेता था और सिर दर्द तो दूर हो ही जाता था अगर रासायनिक दृष्टि से देखें तो इस एलोय यानी मुसब्बर का मुख्य कार्यकारी तत्व एलोइन है जो एक ग्लाइकोसाइड होता है और इस एलोइन का मुख्य कार्यकारी तत्व तो या मुख्य रासायनिक तत्व तो बार्बाडोइन होता है। बार्बा लोईन, बार्बा लोईन, एक पीले रंग का ग्लाइकोसाइड होता है इसलिए आप देखते हैं कि इसका रस जो ताजा निकालते हैं वो कुछ पीताब होता है इसी बारबालोइन से की वजह से अगर आयुर्वेद के हाँ एक बात और बता दें इसकी परीक्षा जो एलोय है मुसबर है उसके घोल को सॉल्यूशन को अगर हम इंफ्रा रेड रेज में देखें तो गहरा बादामी दिखता है ये इसकी परीक्षा है शुद्धता की परीक्षा देखने में कृष्णाप होता है लेकिन इसके वाटरी सॉल्यूशन को अगर हम इंफ्रा में देखें तो एकदम गहरा बादामी दिखेगा इस तरह इसकी परीक्षा जाती है सामान्य गुणों में देखें तो देखा आपने कि बहुत इसका स्निग्ध और पिछिल स्वरस निकलता था तो यही सुगुण भी है यह स्निग्ध है पिछिल है मगर गुरु है अगर इसका रस को जीवा पर रखें बहुत तिक्त रस की अनुभूति होती है अच्छा तिक्त है विपाक कटु हो गया एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये कुमारी रोगों में तो प्रयोग होता है कैसे तो खास करके लड़कियों के या औरतों के जो मासिक होती है रजो रोध अगर किसी का किसी कारण से हो गया हो मासिक नहीं आती हो या कष्ट हो गया हो यानी कि मासिक के समय बहुत तेज निचले उदर में दर्द होता हो या आर्तव कम निकलता हो ब्लीडिंग कम होती हो उसमें इसका प्रयोग करते हैं विशेषता। तो इसका मुख्य मोड ऑफ एक्शन अगर देखें तो ये पाया गया है कि इसको लेने के बाद पेल्विक ऑर्गन्स में कंजेशन हो जाता है यानी कि पेल्विक ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और पेल्विक ऑर्गन्स में एक यूट्रस, यानी गर्भाशय भी है तो इस कारण यह ओलिगोमेनोरिया डिसमेनोरिया कष्टार्थो या अल्पार्थो या नष्टार्थों में भी हम प्रयोग कर सकते हैं मगर इसे कभी गर्भिणी औरतों को नहीं देना चाहिए क्योंकि उस समय तो गर्भ है गर्भाशय में और गर्भाशय में ब्लड सप्लाई बहुत तेज बढ़ा करके वहाँ एक इरिटेशन पैदा कर सकती है और एबॉशन हो सकता है गर्भश्राव हो सकता है इसके औषधीय प्रिपरेशन्स बहुत लोकप्रिय हैं जैसे कुमारियासो पेट के लिए बहुत हम हम यूज़ करते हैं क्योंकि तो बहुत अच्छा कोलाघाक प्रगेटिव होता है पित्त के सिक्रेशन स्राव को बढ़ाता है और गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय को भी यह संकोच का संकोच करता है जिस वजह से जिसकी कारण पित्त अच्छी मात्रा में डिओडनम हमारी हाँतों में आता है तो अक्सर अगर, अगर आप कुमारियासव लिखने जा रहे हैं और अगर स्त्री गर्भड़ी है बिल्कुल न लिखें ये इसे कन्ड्रांडिकेशन शास्त्रों में नहीं मिलेंगे लेकिन आप जब इसका मोड ऑफ एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये बोध होता है कि हमें बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए एक और बहुत ही आवश्यक इसके इंडिकेशन में बता रहा हूं हर औषधि लेने ग्रहण करने के बाद शरीर से उत्सर्जित भी होती है एक्सक्रीशन होता है तो इसका इस एक्सक्रीशन ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है माता के दूध से भी इसका उत्सर्जन होता है यदि आपने किसी लैक्टेटिंग लेडी को दे दिया जिसमें दुग्ध उत्पादन हो रहा हो और उसने अपने बच्चे को पिला दिया तो संभव है कि वो बच्चे को भी डायरिया या अतिसार हो जाए क्योंकि छोटे बच्चे बहुत कोमल होते हैं और ये घृत कुमारी इंटरपेटिक्स सर्कुलेशन में भी जाती है तो उसे पतला दस्त हो सकता है तो गर्भिणी और दुग्ध पिलाने वाली माताओं को कुमारी के प्रिपरेशंस नहीं देने चाहिए अन्य प्रयोग इसके हैं कि यह है दोषानुसार यह कर्फ कफ पित्त है को कफ पित्त के रोगों में इसे हम इसका प्रयोग करते हैं अल्प मात्रा में देंगे कुमारी सार को तो यह दीपन है भोजन बढ़ाता है अग्नि को प्रदीप्त करता है पाचन भी है क्योंकि कोला बाग बाइल को अधिक ला करके आंतों में पाचन भी करता है और भेदन भी है मल संघात को तोड़ता भी है यानी कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को विबंध को दूर भी करता है यकृत उत्तेजक है ही बता दिया तो इसका अच्छा प्रयोग हम हेपेटाइटिस यानी कि यकृत स्रोत में भी कर सकते हैं अधिक मात्रा में देने पर यह एक अच्छा विरेचन और कृमिक भी है अब तय आपको करना है इसे अल्प मात्रा में दें या अधिक मात्रा में दें जैसा रोगी हो दीपन पाचन याकृत उत्तेजन हित देना हो तो अल्प मात्रा में दें और अतिसार या कृमियों के लिए देना हो तो हम इसे अधिक मात्रा में दें अक्सर विडंग इत्यादि के योगों के साथ इससे मुसब्बर भी थोड़ा दे देना चाहिए क्योंकि कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो कृमियों को मार देती हैं निकालने में समर्थ नहीं होती हैं उस समय इसको साथ में देने से विरेचन होगा और कृमियाँ निकल जाएंगी यह बृहदांत्र को भी उत्तेजित करता है तो ऑलरेडी जिसे लूज मोशन हो रहा हो और तब भूख की कमी हो तो नहीं देना चाहिए क्यों वृद्धांत क्या करता है ना कि शरीर से पानी निकाल करके और को मल को अधिक प्रवृत्त करता है तो छुद्रांत्र वृद्दांत और गर्भाशय सब पर इसका हम लोगों ने प्रयोग देखा बाकी सामान्य प्रयोग तो सभी जानते हैं कि चूँकि दीपन पाचन है तो कुमारी आसव का प्रयोग उधर के विकारों में करते हैं जहाँ वो कम लगती हो जहाँ पेट में विबंध रहता हो कुमारी ही नाम है जिसका तो कुमारी लोगों में जिसका प्रयोग हमेशा करते हैं वृक्ष भी है आर्तव जनन भी है और इसके पत्र पत्र स्वरस या जैसे हमने बताया कि आ, एलुआ बनाते हैं कुमारी सार बनाते हैं तीनों ढंग से इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके विशिष्ट योग कुमारिया कुमारी का वटी और कुमारी पाप देखिए मैं अपने एक गुरुजी की बात बताऊं, और राजा प्रवर्तनी वटी नाम से यह चीज साफ है कि ज को प्रवर्तन करने के लिए यानी कि ओलिगोमन एरिया में इसे देते हैं परंतु वो यकृत श्रोत में लिखा करते थे तो किसी ने पूछा कि गुरु जी यह इसे यकृत श्रोत में क्यों देते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते हो वटी के रूप में या रजा प्रवर्तनी वटी के रूप में मिलती है इस और चूंकि इसमें एलुआ पड़ा हुआ है तो आतों को अच्छे तरह से साफ करती है मृदु विरेचन का काम करती है विरेचन का जिससे पित्त का हरण होता है और पित्त जन्य रोग जैसे पा, पांडु कामला में फायदा कर जाती है तो ये तो युक्ति पर निर्भर है ना वैद्य युक्ति प्रधान होता है कोई जरूरी नहीं कि रज प्रवर्तनी केवल रज के प्रवर्तन के लिए दी जाए हमने देखा कि वो कामला और पांडु रोगों में भी इसे दिया करते थे पत्र स्वरस की सामान्य मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर है एम और जो एलुआ है कुमारी सार ये पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री ग्राम तक इसका चूर्ण देते हैं अब हम चर्चा करते हैं एक दूसरे द्रव्य का जो बहुत ही प्रचलित है आपने अवश्य सुना होगा मुसली आजकल तो यह कृष्ण मुसली और श्वेत मुसली इसके दो भेद किए गए हैं लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में मुसलीकंद एक ही था भाव मिश्र ने भी लिखा है अथ लक्षण गुणान आह तस्य एक वचन में प्रयोग किया है जो तो उसके लक्षण और गुणों को कहते हैं और यह भी कहा है कि ताल मूलित विद्वदि मुसली परिकीर्तिता यानी कि जो ताल मूली है उसे ही मुसली कहते हैं यानी कि भावमिश्र के अनुसार इसकी एक ही जाति है आज हम क्या मानते हैं दो श्वेत और कृष्ण लेकिन भाव मिश्र को देखें तो एक ही भेद इसका बताते हैं उनके अनुसार एक ही भेद है अगर हम बेहतरी को देखें तो मुछली का उल्लेख केवल एक बार वाघटट्ट ने अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में बत्तीसवें अध्याय में किया है और इसका प्रयोग का व्यंग आदि रोगों में किया है बाह्य प्रयोग हेतु आलेप करने हेतु यानी कि वाघटट के समय इसका प्रयोग आभ्यंतर नहीं होता था वरना उनकी जैसा लेखक विद्वान और चिकित्सक क्यों नहीं वर्णन करता इसका अब आइए चरक एवं सुश्रुत संहिताओं में मुशली कंध इस शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में हाँ तालमूली या तालपत्री का उल्लेख है लेकिन मुशली या शब्द जो आज का है मुशली या मुछली कंद इसका कहीं उल्लेख इन दोनों प्राचीन संगीताओं में नहीं है और वो भी वर्णन जो है वह दृढ़बल कृत अंश में है जो को हम जो कि हम उस चरक संहिता ओरिजिनल चरक संहिता के बाद का अंश मानते हैं चिकित्सा अध्याय अठारहवें में कास चिकित्सा कास चिकित्सा में मनशिला आदि के साथ इसके धूम का प्रयोग है यानी वहाँ भी आभ्यंतर रूप से इसको आ, खाने के रूप औषधि को मुख मार्ग से नहीं देते बल्कि धूम के रूप में देते हैं काश में श्वास में वो भी मनशिला के साथ सुषु सुसंगिता में इस मुछली मुछली तो शब्द ही नहीं है तालमूली यह ताल का पानी अक्षार व्रणोत्सादन शर्करापातन ग्रंथ लेप उन्मंथ नाशन लेप आदि में किया गया है हम ध्यान देंगे कि सुश्रुत संहिता में भी इसका आभ्यंतर प्रयोग नहीं है बाह्य प्रयोग ही इसका किया गया है अब हम देखें कि फिर तालमोली का अर्थ क्या हुआ उनके अनुसार तो चक्रपाणि जो चरक के संहिता के बहुत ही विद्वान टीकाकार हैं उन्होंने इस ताल मूली पर कोई टिप्पणी नहीं की यानी कि यह या ताल मूली उस समय बहुत ही प्रचलित रही होगी इसके विषय में कोई संदिग्धता नहीं होगी सर्वसुलभ होगी सर्व परिचित होगी इसीलिए चक्रपाणि ने इस पर टीका करना कोई आवश्यक नहीं समझा दल्हन ने अवश्य मूली को मुशली कहा इतना ही नहीं डलहन ने इस पर और आगे कमेंट्री करते हुए कहा मूषक पुच्छाकार सुखा यानी कि इसकी आकृति मूषक के पूछ की तरह होती है यानी कि लंबी होती है सिलेंड्रिकल होती है जिसे हम आज की सफेद मुसली भी कह सकते हैं मूषक पुच्छाकार शिफा क्योंकि ये मूल है ना और ताल मूली इसका नाम था यानी कि ऐसा चीज जिसका हम मूल ही यूज करते हैं डल्ढन ने तालपत्री को भी मछली कहा और ताल मूली को भी मछली कहा मुश्किल शब्द दलहन ने इंट्रोड्यूस किया लेकिन वहाँ भी दलहन ने इसका अभ्यंतर प्रयोग है तो कोई टिप्पणी नहीं की केवल श्वास कास मुख रोगों में इत्यादि में धूम के रूप में अथवा लेप के रूप में ही इसका वर्णन किया आज तो हम देख ही रहे हैं कि जब से काल हुआ यानी मध्यकाल मिडवियर पीरियड उसके बाद से मुसली इतनी लोकप्रिय हुई और उसी समय से इसके दो भेद हो गए श्वेत और कृष्ण इस पर हम चर्चा कर लें श्वेत मुसली के नाम से तीन द्रव्य प्रचलित हैं पहला जो बहुत प्रचलित है वो एस्पेरेगस एडसेंडेंस है लिलियसी फैमिली की ही है दूसरा क्लोरोफाइटम एरोडिनेसियम और तीसरा क्लोरोफाइटम बोरिविलियनम ये तीन द्रव्य ऐसे हैं एस्परेगस एडसेंडेंस क्लोरोफाइटम एरुंडिनेसियम और क्लोरोफाइटम बोरीबिलियनम ये आज बाज़ार में सफ़ेद मुसली के नाम से मिलते हैं और स्याह मुसली या कृष्ण मुसली के नाम से कुरो आर्कवाइड्स जो एमरल फैमिली की है वो द्रव्य मिलता है अब इन द्रव्यों के बारे में कुछ चर्चा कर लें कि एस्प्रेगस एडसेंडेंस जो है लिलियस फैमिली की यह पश्चिम पश्चिमी हिमालय गुजरात पंजाब और मुंबई की तरफ महाराष्ट्र में अवध में और मध्य भारत में भी प्रचुरता से मिलती है और जो मध्य प्रदेश का जो रतलाम एरिया है रतलाम क्षेत्र है वहाँ की ये उत्तम मानी जाती है बहु शाखायुक्त कंटकित क्षुप है स्वावलंबी है शाखाएं आरोहणशील हैं समस्त क्षुप में लगभग आधे से तीन चौथाई इंच के कांटे होते हैं सीधे कांटे होते हैं दृढ़ होते हैं और इसके मूल स्तंभ से श्वेत कंद सदृश लंब गोल मूलों का गुच्छा निकलता है और उसी को चिकित्सा हेतु तो व्यवहार में लाते हैं सुखा करके मार्केट में आप जाएंगे तो सुखाई हुई झुर्रीदार लगभग दो से ढाई इंच या तीन इंच तक लंबी मूले मिलती हैं जो कुछ सूखने के बाद से कुछ ऐड्स जाती हैं ट्विस्टेड सी हो जाती हैं मगर आसान कड़ी तो होती है लेकिन आसानी से टूटने वाली होती है और अगर इसे पानी में डाल दें तो वह फूल कर लुआबदार हो जाती है पानी को सोख कर लेती है इसके मुख्य रासायनिक संगठन में मेंजिन है जो एक लाइकोसाइड है और एक एल्बीमिन सब्सटेंस जो कि हमें प्रोटीनस प्रोटीन, प्रोटीन जो शक्ति देती है और सेलुलोज बहुत अधिक मात्रा में होता है इसीलिए डायबिटिक्स को अगर कोई ताकत वाली चीज़ देनी हो तो हमें ये मछली कंद अवश्य लिखना चाहिए क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मामला की मात्रा नगण्य होती है प्रोटीन्स और फाइबर्स ही ज़्यादा होते हैं दूसरी वैरायटी है जो मछली के रूप में आती है क्लोरोफाइटम एरुडीनेसियम ये भी लीली फैमिली की है गुणकर्म क्योंकि मुस्लि के नाम से विवृहृत होती है तो गुणकर्म वही हैं जो मुस्लि के हैं लेकिन ये छुप है जो बरसात के दिनों में देश के अनेक भागों में उत्पन्न होता है इसके पत्र लगभग डेढ़ से ढाई इंच लंबे और इन्फ्लिस पाँच से पंद्रह इंच का होता है पुष्प श्वेत होते हैं इसके पुष्पों की भाजी भी खाई जाती है इनको कुछ लोग एनोडोनेसियम को मुश्ली कहते हैं और एसपरेगस एडसेंडेंस को लोग कहते हैं कि ये तो शतावरी भेद है क्योंकि देखने में कुछ कुछ शतावरी जैसी लगती है पर ऐसा नहीं एडसेंडेंस ही असली है ये बात अलग है कि आज मार्केट में आप जाएं तो मुसली कंद के रूप में एस्परेगस एडसेंडेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा आज भरमार है क्लोरोफाइटम बोरीबिली के कंदों की यह बात आप ध्यान देंगे कि जैसे आप खरीद रहे हैं मुस्लि कंद के नाम से वह एक्चुअली क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम ही के कंद ही ज्यादा होते हैं जो देखने में एकदम एडसेंडेंस जैसे लगते हैं अब आइए स्याह मुस्लि पे जिसे कृष्ण मुसली भी कहते हैं ना एक्चुअली इसके पत्र ताड़ के पत्रों की तरह होते हैं है तो एक क्षुप ही एक प्लांट ही है तीर्ण जातीय वनस्पति है और वर्षा ऋतु में घास या अन्य घास के बीच में या अन्य वृक्षों की छाया में होती है लेकिन इसके पत्रों का शेप कह सकते हैं वो ताड़ के पत्रों की तरह ही होता है इसलिए अगर इस प्लांट कुरिगो आर्कुलोडिस को हम अगर मूली या तालपत्री माने तो उचित होगा और प्राचीन संभिताओं की तालपत्री या तालमूली यही कुरकिलो आर्कवाइडिस है फैमिली एमरलसी की है और इसका आज भी प्रयोग बाह्य रूप से ज्यादा है और चर्म विकारों में जाते हैं इस प्रकार आज हालांकि कंडू आदि विकारों में तो इसका लेप करते ही हैं पीस कर लगाते हैं इसके मूलों को लेकिन ग्रहणी अर्श कामला में भी इसका प्रयोग करते हैं और शुक्रक्षव शुक्र अक्षय और क्लैब्य में भी प्रयोग करते हैं तो अगर हम प्राचीन संहिताओं की या भाव प्रकाश की ताल मूली को जैसा भाव मिश्र ने कहा कि मूली तो विद्वत भी मुस्लि था। हम कुरकुल को आर्कुलडिस मान लें और आज के जो दो भेद हैं श्वेत मुस्ली और कृष्ण मुसली क्रमशः एसप्रेगस एडसेंडेंस जो कि नहीं मिलती क्लोरोफाइटम बोरिविलियनम मिलता है सफ़ेद मुस्ली के रूप में और कृष्ण मुस्ली को तालपत्री या तालमूली मानते हुए क्लोरोफाइटम कुरकुल आर्कुआइड्स हम मान सकते हैं इस प्रकार मुस्लिम पर चर्चा पूर्ण हुई